Hello students, welcome back in Dolphin School of Excellence. Today this is for class 6th, lesson number 3rd, fiber to fabric. Earlier we have learnt about lesson 1 and lesson 2nd. इसे जस्ट पहले जो वीडियो आया है बच्चों, उसमें मैंने आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो लेसन पूरा एक्सप्लेन किया था, डेफिशिएंसी डिजीज उसमें बताया था, बैलेंस डाइट बताया था। आज हम लेसन चैप्टर नंबर 3rd फाइबर टू फैब्रिक, एक नया लेसन है, इसको स्टार्टअप कर रहे हैं। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर का मतलब होता है बच्चों रेशे, और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, यानी किस तरीके से रेशों से कपड़ा बनाया जाता है। आज हम इस लेसन में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। आप सब जानते हो कि हमारी बेसिक नीड जो होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा यानी क्लॉथ, क्लॉथ हमारा बेसिक नीड है। एक्चुअल में बच्चों क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ। सो द आंसर इज वी वियर क्लॉथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हमारे शरीर को गर्मी, सर्दी, बरसात, इन तीनों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड डेली नीड्स। वी वियर यानी हम पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट मौसम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के हिसाब से, कल्चर कल्चर जो हमारा सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होता है उसी को हम कल्चर ही कह सकते हैं, हमारी परंपरा जो बोल सकते हैं उसको, ट्रेडिशन कल्चर ट्रेडिशन सेम ही होता है, और डेली नीड्स यानी हमारी ज़रूरत के हिसाब से, इस तरीके के हम लोग कपड़े पहनते हैं। द क्लॉथ्स डैट वी वियर डेली इन द टॉवल्स, द कर्टन्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक इज कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ। जो फैब्रिक होता है इसी को क्या कहा जाता है? कपड़ा। लेसन के स्टार्टअप में मैंने यहाँ पर आपको बोला था फैब्रिक मीन्स कपड़ा। फैब्रिक को ही सिंपल शब्दों में हम क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं। और कपड़े की बहुत सी चीज़ें, हमारे पहनने के कपड़ों के अलावा हमारी बेडशीट्स होते हैं, टेबल कवर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस कपड़े से ही बनती है। नाउ ये कपड़ा कैसे बनता है? फाइबर्स एंड देयर टाइप्स, फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? फाइबर रेशे को कहते हैं। फाइबर्स एक्चुअली वी गेट फाइबर्स फ्रॉम 3 सोर्सेज, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मिक्स फाइबर। तीन जगह से, तीन तरह के फाइबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। हम तीनों फाइबर्स को डिस्क्राइब करेंगे इस लेसन में कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मिक्स फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइबर क्या होता है? वॉट इज फाइबर? तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जितने भी कपड़े हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? फाइबर्स से मिलकर बने हैं। फाइबर्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों रेशे। फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटीरियल। फाइबर्स क्या होता है? लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, और थ्रेड लाइक यानी धागे जैसे, पतले पतले से रेशे जो होते हैं उस तरह के मटीरियल को फाइबर कहा जाता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर, तीन तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड मिक्स्ड फाइबर। नेचुरल, नेचुरल वी गेट फ्रॉम नेचर, सिंथेटिक, सिंथेटिक द अनदर नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज मैन मेड फाइबर, फाइबर विच आर मेड बाई मैन ओनली इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज में बनते हैं सिंथेटिक फाइबर, और इसको इंसान बनाता है। नेचुरल फाइबर्स, इसको कल्टिवेशन तो हम लोग ही करते हैं लेकिन ये हमको नेचर से मिलते हैं। मिक्स्ड फाइबर्स, नेचुरल और सिंथेटिक इन दोनों फाइबर्स को मिक्स करने से जो फाइबर बनता है वो होता है मिक्स्ड फाइबर। अब नेचुरल फाइबर आप यहाँ पर देखोगे तो नेचुरल फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर, दूसरा होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर मीन्स कॉटन, जूट, दीज आर प्लांट फाइबर बिकॉज दीज आर फाइबर्स, कॉटन एंड जूट आर फाइबर्स एंड दीज थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स ओनली, सो दीज फाइबर्स आर नोन एज प्लांट फाइबर्स, ओके। एनिमल फाइबर्स वुल एंड सिल्क, वी गॉट वुल फ्रॉम शिप, इजंट इट, एंड सिल्क, सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वुल एंड सिल्क, दीज आर ऑल्सो फाइबर्स बट दीज आर एनिमल फाइबर्स बिकॉज दीज टू थिंग्स, दीज टू फाइबर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स ओनली, ओके। सॉरी, सिंथेटिक फाइबर्स नाइलॉन, पॉलिस्टर, दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज बाई मैन, एंड दीज मिक्स फाइबर्स टेरी सिल्क, टेरी वुल, दीज आर द मिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नाउ कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट,
नेचुरल फाइबर। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर क्या होता है, इससे क्या क्या बनता है, इससे बनने वाले कपड़ों की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सो नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर डेट आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको प्राप्त किया जाता है किन से, प्लांट्स और एनिमल्स से, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। यानी पेड़ पौधे और जानवरों से मिलने वाले फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। वंस अगेन, पेड़ पौधे और जानवर, कौन कौन, लिविंग बींग, पेड़ पौधे, जानवर, इनसे मिलने वाले इनसे मिलने वाले फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, जूट, कॉयर, हैम्प एंड फ्लैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, कपास को कहते हैं बेटा, रुई, जूट, जूट जो हमारा बोरी जो बनता है, आपने देखा होगा फुटरेस्ट जो होता है ये जूट से बनते हैं, फुटरेस्ट के लिए कॉयर भी यूज होता है। ये कॉयर जो होता है बच्चों, ये हमको मिलता है नारियल, नारियल के जो रेशे होते हैं उससे जो रस्सी बनाई जाती है या उससे जो डोरमेट बनाए जाते हैं वो, उसमें जो फाइबर यूज होता है उसको कॉयर कहते हैं। ओके, वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जानवरों से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, एक तो मिलता है वुल, दूसरा मिलता है सिल्क। ये दोनों फाइबर किससे मिल रहे हैं, एनिमल्स, ये दोनों फाइबर हमारे को एनिमल से मिल रहे हैं। वुल इज द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। वुल कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, फ्लीस ऑफ शिप, फ्लीस ऑफ शिप और गोट का मतलब भेड़ या बकरी के जो बाल होते हैं उनसे वुल यानी ऊन, ऊन बनाई जाती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। इसके अलावा वुल रैबिट, याक और कैमल्स, इनके जो फ्लीस होते हैं, इनके जो बाल होते हैं उनसे भी ऊन बनाई जाती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मलबरी ट्रीज पे पाया जाता है बच्चों, ये मलबरी लीव्स को खाता है और अपने चारों तरफ एक कुकून का फॉर्मेशन करता है। इस कुकून को फिर गर्म पानी में डालते हैं और वहाँ से हमारे को सिल्क फाइबर मिलता है। इस सिल्क फाइबर से हम सिल्क के धागे बनाते हैं और सिल्क फैब्रिक तैयार होता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। देखो, नेचुरल फाइबर से बनने वाले फैब्रिक को नेचुरल फैब्रिक कहेंगे और सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले फैब्रिक को सिंथेटिक फैब्रिक कहेंगे। सिंपल सी चीज़ है ये तो, नेचुरल फैब्रिक यानी कि मेड बाय नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फैब्रिक किसको कहेंगे, जो नेचुरल फाइबर से मिलकर बनते हैं उनको नेचुरल फैब्रिक्स कहेंगे, और जो फाइबर, जो फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर्स से मिलकर, नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्लांट या एनिमल से जो फाइबर मिले वो नेचुरल फाइबर हुए। और अगर मान लो किसी फैक्ट्री में अगर किसी फाइबर का प्रोडक्शन किया गया तो वो सिंथेटिक फाइबर हुए। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है उनसे बनने वाले कपड़े को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फैब्रिक, और नेचुरल फाइबर से बनने वाले कपड़े को हम कहेंगे नेचुरल फैब्रिक। क्लियर? सो कॉटन, कॉटन इज अ नेचुरल फैब्रिक। वुल, वुल इज ऑल्सो नेचुरल फैब्रिक। ओके, अब इसके हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस, इसको बच्चों इंपॉर्टेंट करो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन, दीज फैब्रिक एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। स्वेट यानी होता है पसीना, यानी कि कॉटन जो होता है, आपने सुना होगा गर्मियों में कॉटन पहनने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्मी में हमें पसीना ज़्यादा आता है। और कॉटन जो होता है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फैब्रिक है। नेचुरल फैब्रिक क्या करता है, पानी को और पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी ये पसीने को ज़्यादा सोख लेता है, तो गर्मियों में हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड, दे अलो एयर टू पास थ्रू देम। ये जो नेचुरल फाइबर्स, फैब्रिक्स जो होते हैं, इनके अंदर से हवा पास हो सकती है। नंबर थर्ड, दे आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझाना ज़रूरी है, एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल द थिंग विच कैन, ध्यान से सुनना, द डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल इज द थिंग विच कैन बी डीकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। ऐसी चीज़ें जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम समय में नष्ट कर देते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो नेचुरल फैब्रिक्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको अगर आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो कुछ समय बाद ये कपड़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इस कपड़े को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक है ये क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होता। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। चलो ये इसके एडवांटेजेस हैं, यानी इनको यूज़ करने से हमको ये फ़ायदे हैं, ठीक है, 1, 2, 3। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1, दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीज फॉर लॉन्ग। अगर घर पे कॉटन का अगर शर्ट है पापा का, या आपके पास भी अगर कॉटन का शर्ट है, तो थोड़ी देर पहनो और उसके बाद उस पर सल आ जाते हैं, है ना। उस पर लंबे समय तक हम जो प्रेस करते हैं वो प्रेस नहीं रहती, उस पर सल जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये अपनी क्रीज को लंबे समय तक बना के नहीं रख सकते। सेकेंड, दे में श्रिंक ऑन ऑर्डनरी वॉशिंग। और जब भी इनको धोएंगे ना, सिंपल वॉश जब हम करते हैं तब ये क्या होते हैं, श्रिंक। श्रिंक का मतलब थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाई मॉथ एंड मॉल्ड्स। इनके ऊपर कीड़े जल्दी लगते हैं, इन कपड़ों को जल्दी जो है ये कपड़ा खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं ये इन कपड़ों को जल्दी खा लेते हैं, जल्दी इन कपड़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी से इसको खाते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, ये जल्दी से सूखते नहीं हैं। नेचुरल सिल्क इज, जल्दी से सूखने का मतलब धो के सुखाया। तो एक कॉटन का शर्ट है, एक नायलॉन का शर्ट है, नायलॉन का शर्ट अगर हाफ एन आवर में सूख जाता है तो कॉटन का शर्ट 1 आवर में भी नहीं सूखता। तो ये धुलने के बाद इनको सूखने में टाइम लगता है, किनको, नेचुरल फाइबर्स को, नेचुरल फैब्रिक्स को। नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। जो नेचुरल सिल्क होता है बच्चों, क्योंकि ये कुकून से मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल, और इसको हर कोई नहीं खरीद सकता। यस, तो यहाँ आपका नेचुरल फाइबर्स का टॉपिक जो है वो एंड होता है। अब बच्चों नेचुरल फाइबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर नेचुरल फैब्रिक्स, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर नेचुरल फैब्रिक्स। सो द आंसर इज द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक्स। देखो यहाँ पर सिंगुलर इसलिए इज लग रहा है, लेकिन मैंने फैब्रिक्स पूछा है यहाँ पर, मैंने इसलिए आर कर दिया था, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल फैब्रिक, तो आपका डेफिनेशन होगा द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करना है आप लोगों को। What are the advantages of natural fabrics? तो उसका आंसर है advantages of natural fabrics, number 1, number 2, number 3, ये 3 पॉइंट आपको उसमें mention करने हैं। उसके बाद में next question होगा what are disadvantages of natural fabrics? तो वहाँ पर आपको ये 5 पॉइंट mention करने हैं। 3 questions यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं। 4th question जो आपका बनेगा वो question इस पेज पे बनेगा, वो question ये होगा हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड, कितने प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्सड फाइबर्स। वॉट वॉज द क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड, एंड द आंसर इज देयर आर 3 types of fibers, number 1 is natural, number 2 is synthetic and number 3 is mixed fibers. Clear? Come on the next, human made or synthetic fibers. Human made, इसको हम man-made भी बोल सकते हैं, और synthetic fibers या synthetic fibers, ऐसे fibers जो इंसानों द्वारा factories में बनाए जाते हैं उनको कहते हैं man-made और ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। क्वेश्चन बनता है व्हाट आर मैन मेड फाइबर, आंसर होगा द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, या इसको आप मैन मेड भी बोल सकते हो, ह्यूमन और मैन। तो ऐसे फाइबर्स जिनको इंसानों द्वारा अलग अलग केमिकल्स का यूज करके इंडस्ट्री में बनाया जाता है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऐसे फाइबर्स जिनको इंसानों द्वारा
अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके इंडस्ट्री में बनाया जाता है, उन फाइबर्स को ह्यूमन मेड और मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स और क्वेश्चन मार्क, तो आपका जवाब होगा द फाइबर्स दैट आर मेड बाई ह्यूमन्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। ये इसका डेफिनेशन होगा और ये इसका क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर हैं, उनका नाम है पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं? पेट्रोलियम की मदद से बनते हैं। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट जो होता है उससे जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उनसे ये फाइबर्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। ऐसे फैब्रिक जो सिंथेटिक फाइबर्स से मिलकर बनते हैं उन्हें सिंथेटिक फैब्रिक कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा वो डिफाइन द सिंथेटिक फैब्रिक, आंसर होगा द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। ऐसे फैब्रिक, फैब्रिक यानी कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिसे सिंथेटिक फाइबर्स से बनाया जाता है, ध्यान से सुनो, ऐसा कपड़ा जिसे सिंथेटिक फाइबर्स से बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक फैब्रिक कहते हैं। ओके, अब इसका भी एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं मोर ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलते हैं एंड इजी टू मेंटेन, और इन पे बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। ड्राई अप फास्ट, जल्दी सूख जाते हैं एंड आर रिंकल फ्री, और इन पे सल नहीं पड़ते। सल का मतलब समझ रहे हो ना, हम प्रेस करते हैं ना, प्रेस क्यों करते हैं? कपड़ों की क्रीज बनाए रखने के लिए, उस पर जो सलवटें होती हैं उनको मिटाने के लिए। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना इन, ये रिंकल फ्री होते हैं, इन पे जल्दी से सल नहीं आते। नाउ सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट अट्रैक्ट बाई मोथ एंड मोल्ड्स, और इनके ऊपर जो कपड़े खाने वाले मोथ और मोल्ड्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये इनकी तरफ अट्रैक नहीं करते हैं इनके ऊपर, और इनको फिनिश नहीं कर पाते हैं। एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, दे डू नॉट अलो द एयर टू पास थ्रू देम एंड हैंस आर नॉट गुड फॉर समर। ये गर्मियों, समर यानी गर्मी का सीज़न, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो गर्मियों के सीज़न के लिए सही नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर से ये हवा को पास नहीं होने देते। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते। दे इजीली कैच फायर, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसा मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल बताया था वैसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट डीकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल जो होते हैं ये जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़त्म। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया आप लोगों को, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम समय में ख़त्म ना कर सकें वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, डू यू नो The chemical used in manufacturing of synthetic fibers find their way in water bodies and pollute them, so they are harmful for the environment. Synthetic fibers जो होते हैं environment के लिए भी harmful हैं, क्योंकि ये non-biodegradable है। अगर biodegradable होते हैं तो ये time के साथ में destroy हो जाते हैं, but ये non-biodegradable है तो ये हमारे environment के लिए भी harmful हैं। अब यहाँ पर भी आपके questions बनेंगे। पहला question जो आप लोगों का निकलेगा, वॉट आर ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, जिसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो होगा आपका, वॉट आर सिंथेटिक फैब्रिक्स, तो उसका आंसर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स। एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, एडवांटेजेस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। आपको 1, 2, 3 पॉइंट मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, इसमें आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये मेंशन करने हैं। ओके,
नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट फाइबर इज मिक्स्ड फाइबर। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है मिक्स्ड, यानी दो चीज़ों को मिलाने पर जो बना वो हो गया मिक्स्ड फाइबर। द फाइबर मेड बाई ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है और जिससे अच्छी क्वालिटी के फाइबर बनते हैं उन्हें कहते हैं मिक्स्ड फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है और जो कमियां इन दोनों फाइबर्स में हैं उन कमियों को पूरा करके एक नया फाइबर बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं मिक्स्ड फाइबर। ओके इसका एग्जांपल है बेटा टेरिकॉट, टेरेलिन और कॉटन इन दोनों को मिलाकर टेरिकॉट बनता है, टेरी सिल्क, टेरेलिन और सिल्क इन दोनों को मिलाकर टेरी सिल्क बनता है। तो यहाँ देखो टेरेलिन सिंथेटिक फाइबर, कॉटन नेचुरल फाइबर, टेरेलिन सिंथेटिक फाइबर, सिल्क नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक प्लस नेचुरल, सिंथेटिक प्लस नेचुरल इन फाइबर्स को मिलाकर क्या बनाया, देखो टेरेलिन और सिल्क को मिलाकर टेरी सिल्क बनाया, टेरेलिन और कॉटन को मिलाकर टेरिकॉट बनाया। तो ये जो फाइबर्स हैं ये हैं मिक्स्ड फाइबर्स एंड टेरी वुल, टेरेलिन और वुल सिंथेटिक नेचुरल इन दोनों को मिलाकर टेरी वुल बना आर सम एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फाइबर। दीज आर द एग्जांपल टेरिकॉट, टेरी सिल्क, टेरी वुल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फाइबर एंड दीज आर मेड बाय टेरेलिन इज टेरिकॉट इज मेड बाय टेरेलिन प्लस कॉटन, टेरी सिल्क इज मेड बाय टेरेलिन प्लस सिल्क, टेरी वुल इज मेड बाय टेरेलिन प्लस वुल। ओके नाउ नेचुरल फाइबर नंबर वन पे आता है हमारा कॉटन, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर डेट ग्रो अराउंड द सीड ऑफ अ कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो कैसा फाइबर है, सॉफ्ट फाइबर है और ये कहाँ उगता है, अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ ये कॉटन फाइबर जो होता है ये उगता है। द कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट को कहाँ उगाया जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर काली मिट्टी हो एंड वार्म क्लाइमेट और गर्म मौसम हो वहाँ पर कॉटन उगाई जाती है। इन आर कंट्री हमारे देश में कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, हमारे देश में एक तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये जो नाम दे रखे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इन जगहों पर कॉटन कल्टीवेटेड किया जाता है यानी कॉटन को उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स नीड अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेनफॉल ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर फॉर देयर ग्रोथ। कॉटन जो है इसको फसल को मतलब इस क्रॉप को कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो ये फसल अच्छी उगती है और इसको 60 टू 100 सेंटीमीटर की इसको बारिश चाहिए तभी इसकी अच्छी ग्रोथ हो पाती है। द कॉटन प्लांट इज बूशी, छोटा प्लांट है ये एंड अबाउट 1 to 2 meters इन लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 to 2 meters इसकी लेंथ होती है, ये एक छोटा प्लांट है। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन को कैसे उगाया जाता है, इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज फ्रॉम मार्च टू नवंबर। इंडिया में कॉटन कब से कब के बीच में उगाई जाती है, मार्च, मार्च का मतलब स्प्रिंग सीजन टू नवंबर, नवंबर यानी विंटर सीजन, स्प्रिंग टू विंटर, मार्च टू नवंबर, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कॉटन प्लांट उगाया जाता है इंडिया में। नंबर वन कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन अ अर्ली स्प्रिंग, मार्च की शुरुआत में कॉटन सीड्स जो होते हैं इनको मिट्टी में बो दिया जाता है। कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडली, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बोल्स। धीरे धीरे कॉटन का जो सीड्स हैं ये बढ़ना शुरू होते हैं और इनका जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं कॉटन बोल, क्योंकि उसी फ्रूट के अंदर कॉटन के सीड्स होते हैं और जैसा भी आपको मैंने ऊपर बताया था कि कॉटन जो है वो सीड्स के चारों तरफ ग्रो करती है। द कॉटन बोल ग्रो स्लोली, कॉटन बॉल धीरे धीरे बढ़ती है। स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप, इस कॉटन बॉल के अंदर छोटे छोटे बीज और कॉटन फाइबर्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं। अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज डैट ऑफ लेमन, और एक जो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है कॉटन बॉल तो उसका साइज कितना होता है, एक लेमन, लेमन यानी नींबू के बराबर की साइज की बॉल होती है जिसके अंदर सीड्स भी होते हैं और कॉटन भी पाई जाती है। इट इज़ ब्राउन इन कलर, और ये कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की। अभी हमारे आसपास के जितने भी घर हैं
मतलब जो गांव है वहां पर इस कॉटन की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। लोगों के हर घर में, मोस्टली गांव में कॉटन निकलते हुए देखी जा सकती है। आप लोग भी अपने घर में इन चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट। आफ्टर मैच्योरेशन द कॉटन बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती है तब ये फट जाती है और इनसे कॉटन नज़र आना शुरू हो जाती है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स, और सूरज की गर्मी से फाइबर जो हैं ये सूखते हैं, टर्निंग देम फल्फी, इसकी वजह से ये फल्फी हो जाते हैं, एंड एज वाइट एज स्नो, और ये एकदम बर्फ जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, और ऐसे समय में कॉटन के जो खेत होते हैं वो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे उनके ऊपर बर्फ बिछी हुई हो। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। तो ये समय कौन सा होता है, जब कॉटन बॉल्स में से कॉटन नजर आने लग जाती है तब कॉटन को काटना शुरू कर दिया जाता है। कॉटन क्रॉप इज़ मोस्टली हैंड पिक्ड, अब इसको हाथों से ही तोड़ा जाता है। इन बिग फील्ड्स, बड़ी बड़ी बड़े बड़े खेतों में मशीन्स आर यूज फॉर पिकिंग कॉटन, बड़ी बड़ी जगहों पर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है कॉटन बॉल्स को उठाने के लिए, बाकी नॉर्मली छोटी जगहों पर हाथों से ही, हैंड पिकिंग यानी हाथों से ही इन्हें तोड़ा जाता है प्लांट पे से। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन का यूज़, कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लिनन, कॉटन फाइबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, कपड़े बनाने में, और लिनन, लिनन भी एक कपड़े का ही नाम है। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, मोजे, टी शर्ट्स, बेड शीट्स एटसेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। सॉक्स टी शर्ट एंड बेड शीट्स, ये आप लोगों ने जनरली देखी है कॉटन की बनी हुई होती है। कॉटन क्लॉथ्स आर कम्फर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच, एब्जॉर्ब स्वेट एंड लेट द एयर इन। कॉटन के कपड़े जो होते हैं ये गर्मी और उमस वाले मौसम कंडीशंस के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं। क्यों हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये सॉफ्ट होते हैं, दूसरा ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और तीसरा इनके अंदर से हवा पास हो सकती है। द स्वेट एब्जॉर्ब बाई कॉटन क्लॉथ्स इवोपरेट्स मोर क्विकली ड्यू टू द एयर इट ब्रीथ्स, और जैसे ही ये कपड़ा पसीने को सूखता है इसके अंदर से हवा ट्रांसफर हो सकती है, इसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है और हमें गर्मी कम लगती है। इट रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, और इसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहता है, नीचे रहता है। कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स टू मेक मिक्सड फाइबर लाइक टेरिकॉट, कॉटन को टेरिलिन के साथ मिक्स करेंगे तो टेरिकॉट बनता है, तो कॉटन को दूसरे फाइबर्स के साथ मिलाकर टेरिकॉट बनाया जाता है। कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम वाउंड्स एंड फॉर अदर मेडिकल पर्पज, और कॉटन का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है, आप लोगों को कभी चोट आई होगी, आप हॉस्पिटल जाएँ तो वहाँ पर दवाई लगाते हैं, तो दवाई लगाने के लिए कभी खून आ रहा है तो खून को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कॉटन यूज़ करते हैं, या कभी पस पड़ जाता है, बीमार ज़्यादा हो गए, या सिंपल शब्दों में अपन नहीं कहते पक गया है ना, तो वो पस जो पड़ जाता है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, वाउंड यानी होता है गाँव, गाँव से खून और पस को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनेगा, राइट द यूजेज ऑफ कॉटन, क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट द यूजेज ऑफ कॉटन, एंड यू हैव टू राइट कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स टू मेक मिक्स्ड फाइबर लाइक टेरिकॉट, एंड कॉटन इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस एटसेट्रा। थैंक यू, आज का लेसन हम यहीं फिनिश करेंगे। लास्ट डू यू नो वाला पॉइंट बता देता हूँ मैं, द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस ऑफ कॉटन इज फ्रॉम इंडिया, कॉटन हैज़ बीन ग्रोइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर्स, बट कॉटन वॉज यूज बाई इजिप्शियन एज अर्ली एज 14000 ईयर अगो, इंडिया में 3000 साल से कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है, बट इजिप्शियन जो हैं, इजिप्ट में रहने वाले लोग, वो 14000 साल से कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, सो द आंसर इज टेरिलिन इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, सिल्क इज नेचुरल, वुल इज नेचुरल, सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, वुल वी गेट फ्रॉम शिप और गॉट, जूट वी गेट फ्रॉम जूट प्लांट, बट टेरिलिन इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज बाई मैन, सो टेरिलिन इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिल्क वुल एंड जूट दीज आर नेचुरल फाइबर, बट इन दिस क्वेश्चन नॉट इज मैंशन, इट मीन टू से कौन सा नहीं है, सो टेरिलिन इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। नंबर सेकेंड, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर
ग्रोइंग कॉटन प्लांट। आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को आगे क्लियर करेंगे। मुझे इसका वर्क चाहिए। थैंक यू वेरी मच।